साथियों, आज के वीडियो में चर्चा होगी कि सबका सहयोग कैसे करें। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, शांति, सद्भावना और उत्साह, उमंग, खुशी, सुख, समाज में सम्मान हो, समाज से प्रेम मिले, हर व्यक्ति आपको प्रेम करे, तो आइए ये वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है सबका सहयोग कैसे करें। पिछला वीडियो था सबका सहयोग कैसे लें। तो सबका सहयोग हमको लेना है तो हमको सहयोग देना भी होगा। जो हम समाज में या इस प्रकृति में देते हैं वही हमको वापस मिलता है। जैसे हमको यदि सुंदर सुंदर फूल चाहिए गुलाब के, तो हमको गुलाब के पौधे लगाने पड़ेंगे, उनमें पानी देना पड़ेगा। और यदि आप बबूल लगाएंगे तो आप गुलाब के फूलों की आशा नहीं कर सकते हैं, बबूल से आपको कांटे ही प्राप्त होंगे। तो ये बीज का जो चुनाव है वो आप कर सकते हैं। कर्म बंधन एक बार बन जाए तो उसके बाद फिर बदलाव नहीं होने का। साथियों, आप जो भी करते हैं उसका समाज पर, प्रकृति पर, इस अस्तित्व पर असर पड़ता है। मान लीजिए आप चिंता करते हैं तो चिंता करने से आप अपना अहित अकेला नहीं करते हैं, इस पूरे समाज का अहित करने लगते हैं। कि क्योंकि आपकी जो एनर्जी फील्ड होती है, आपका जो ऑरा होता है, उसके संपर्क में जो भी आता है, मान लीजिए आप चिंतित रहते हैं तो सामने वाला भी चिंतित रहने लगता है, असर होने लगता है। आप दुखी रहते हैं तो सामने वाला भी दुखी रहने लगता है। तो इसलिए आप खुशी रहें, प्रसन्न रहें, तो ऐसी आपकी एनर्जी फील्ड होगी, जो भी आपके पास आए वो खुश हो जाए। तो ये भी एक हिसाब से आप समाज का हित करेंगे। और यदि क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो सामने वाले को भी क्रोध और गुस्सा आती है। शांति से शांति पैदा होती है, गुस्से से गुस्सा पैदा होता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सबका हित करना है, सबका सहयोग करना है, तो आपको क्रोध है, दुख है, चिंता है, अपराध है, ये सारे कार्य, हिंसा, ये सब छोड़ने होंगे। और इनकी जगह पे अहिंसा, सत्य, सेवा, शांति, खुशी, सद्भावना, ये सारी चीज़ें हमको अपने व्यक्तित्व में, अपने मस्तिष्क में लानी होंगी। और हमारे व्यवहार में हमारे प्रत्येक कार्य ऐसे हों कि सबको खुशी मिले, हमारा प्रत्येक कार्य ऐसा हो कि सबको शांति मिले। कहीं से भी ऐसा कोई कार्य हम ना करें जो समाज में अशांति या अमंगल का प्रदान करने वाला हो। जब हम ऐसे कार्य करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये अस्तित्व, ये प्रकृति, ये परमात्मा हमको सहयोग करने लगते हैं और वही सब चीज़ें हमको वापस मिलने लगती हैं जो हमको पसंद है, जो हमारे आत्मा के प्राकृतिक गुण हैं। प्रेम, शांति, सेवा, सद्भावना, सत्य, अहिंसा। बीज का चयन करने में आप स्वतंत्र हैं। प्रकृति ने, इस पूरे संसार में परमात्मा ने आपको कर्म बीज मैं स्वतंत्र रखा है। बीज का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन एक बार बीज का चयन हो गया तो उसमें जो फल आने हैं, जो फूल आने हैं, वो आपको ग्रहण करने ही होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो क्यों ना फिर हम ऐसे कर्म बीज चुने जो सबको हितकारक हों और आपको भी आगे जाके उनसे अच्छे सुंदर पुष्प प्राप्त हों। तो हो सकता है कई बार आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम लोगों की सहायता कर सकें या सहयोग कर सकें, पर आपको मालूम नहीं है, ये प्रकृति ने आपको इतने संसाधन दे के रखे हैं जो निःशुल्क हैं, लेकिन आप जब दूसरों के साथ उनका उपयोग करेंगे तो वो अमूल्य हो जाते हैं। बहुत से ऐसे निःशुल्क टूल या ऐसे संसाधन परमात्मा ने आपको दिए हैं कि जिनका प्रयोग करके आप अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं और आप सबका सहयोग कर सकते हो। जब सबका सहयोग करेंगे तो आपको भी सबका सहयोग मिलेगा। जैसे पहला है उसमें मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसा संक्रामक कहना चाहिए टूल है कि यदि आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगता है। आप मुस्कुरा कर बात करेंगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा कर बात करेगा। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो परमात्मा का एक निश्चल स्वरूप सामने आता है और उससे चुंबकीय शक्ति से सभी लोग आकर्षित होते हैं। जो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है उससे सभी लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसका सहयोग करते हैं और लोग बोलते भी हैं और उनसे मिलने से बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी हंसमुख है। तो फिर क्यों ना हम भी
मुस्कुराते हुए सबका सहयोग करें। जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला मुस्कुराता है और वो एक क्षण के लिए सारे अपने रंजो गम या जो परेशानियां हैं वो भूल जाता है, तो ये भी उसका सहयोग होगा। तो आइए, पहला जो टूल था वो था मुस्कुराहट। दूसरा जो टूल है या संसाधन है जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसको करने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई संसाधन आपको नहीं लगते हैं, वो है प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय सीताराम, या जो भी संबोधन है, जब व्यक्ति को आप प्रणाम करते हैं। प्रेम प्रणाम के बारे में हम आज इधर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रणाम नमस्कार नमस्ते का मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, वो आप देखें। प्रणाम किसको करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, इसकी क्या परिणाम होते हैं, क्या सकारात्मक परिणाम है, तो इन सारे विषयों को देखने के लिए आप प्रणाम नमस्कार और नमस्ते में अंतर वाला वीडियो आप देख लें। इधर हम केवल बात कर रहे हैं प्रणाम करके हम किस प्रकार से सामने वाले का सहयोग कर सकते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो पहली चीज तो हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है और सामने वाले का स्वाभिमान पुष्ट होता है। उसको लगता है कि हाँ यार, मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि सभी लोग मुझसे प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम करके भी आप उसके स्वाभिमान या उसके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा टूल प्रणाम हुआ। तीसरा जो टूल है साथियों वो है प्रेम। प्रेम करना इस अस्तित्व में, इस समाज से, इस प्रकृति से, इस संसार से, जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम के बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। प्रेम करने से, जैसे आप प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं तो पर्यावरण से प्रेम करेंगे। पर्यावरण में मान लीजिए बरसात आई है, आप सुंदर सुंदर पौधों का रोपण करेंगे तो उससे सुंदर सुंदर पुष्प आएंगे और ये वातावरण या पर्यावरण बहुत ही सुंदर बन जाता है। इसी प्रकार से व्यक्तियों से जब आप प्रेम करेंगे तो उनका सहयोग करेंगे, उनको दो मिनट के लिए जब प्रेम से आप बात करते हैं तो वो सामने वाले को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो इससे आप उसका सहयोग करते हैं। समाज में मान लीजिए कोई नशा करके आ जाए और गाली गलौज करे तो कुल मिला के उससे अशांति फैलती है समाज में, जबकि प्रेममय बने रहने से ये पूरा अस्तित्व और समाज और संसार, प्रकृति पूरी जो है प्रेममय होने लगती है धीरे धीरे। तो इसलिए प्रेम भी निःशुल्क है। ज्ञान, ज्ञान भी एक ऐसा टूल या संसाधन है जिसका उपयोग करके समाज में सकारात्मक बदलाव और एक अच्छी भावना विकसित कर सकते हैं। जो भी आपके पास जिस भी फील्ड का ज्ञान है वो समाज में आपको देना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको। जैसे अच्छी कोई सलाह आप किसी को दे देते हैं तो वो भी उसका सहयोग होता है। जैसे वाइब्रेशन या शुभकामनाएं जो हम प्रेषित करते हैं वो भी सामने वाले का सहयोग करते हैं। जैसे उसके जन्मदिन पर या किसी सफलता पर जब आप उसको बधाई देते हैं या शुभकामनाएं देते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसको एहसास होता है कि हमने कोई अच्छा कार्य किया है, तब हमको लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं या सकारात्मक विप्स या वाइब्रेशन दे रहे हैं। ये काम आप मौखिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं और मन से घर में बैठ के किसी अन्य व्यक्ति के लिए अच्छी वाइब्रेशन जब भेजते हैं तो उसका अच्छा होने लगता है, और जब उसका अच्छा होता है तो उसको उसका एहसास भी होता है। ये टेलीपैथी है साथियों, दूर बैठ के भी आप वाइब्रेशन भेज सकते हैं, अच्छी शुभकामनाएँ भेज सकते हैं। या सुबह सुबह आप जब ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो आपके अपने वाले हैं या जो भी समाज है, प्रकृति है, इसमें या पूरे अस्तित्व में शुभकामनाएँ आप जब भेजेंगे कि चारों ओर शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, तो वो सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, फैलने लगती हैं। और जिनका भी आप अच्छा चाहते हैं उनके लिए तो कम से कम शुभकामनाएँ आपको भेजनी ही चाहिए, वैसे तो सबके लिए भेजें। यदि आप सबके लिए नहीं भेज सकते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहा भी गया है सर्वे भवानि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। यानी हमारे जो वेद वाक्य हैं, जो हमारी ऋचाओं में, संहिताओं में कहा गया है, उसमें सबके सुख की कल्पना की है, मेरी या हमारी नहीं, सबके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों,
निरामय मतलब निरोग हूँ। तो इस प्रकार के ये श्लोक है जो, यह आप सुबह सुबह यदि दोहरा लेते हैं तो इस प्रकृति अस्तित्व को भी आप सहयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे मंगल श्लोक भी हैं, जैसे आप ये सुबह सुबह ये भी आप दोहरा सकते हैं सुबह शाम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी इसमें भी सबकी मंगल की कामना की गई है। इस प्रकार की जब मंगल कामना हम करते हैं तो चहुं दिशाओं में मंगल होने लगता है और वो सब वापस होके हमको प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी हम इस प्रकृति में देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो साथियों, आपने देखा आज सारे ऐसे टूल बताए हैं मैंने जो निशुल्क हैं, लेकिन इनकी कीमत भी तय नहीं की जा सकती है, इतने अमूल्य हैं। यदि इनका आप प्रयोग करते हैं तो आपका स्वयं का जीवन, आपका व्यक्तित्व महक उठेगा और आप समाज में एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाएंगे और आप सबका सहयोग करेंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें वापस मिलनी हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे और सबका सहयोग करेंगे और सबका सहयोग प्राप्त करेंगे। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।